हम हमारे कपड़े, हमारे भारतीय कपड़े यही होते हैं। ये जो माथे बनारस से क्या कहते हैं? इसे उद्व कुंड कहते हैं, ये भगवान के चरण होते हैं। आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है, आपको हिंदी भी आती है, आपको शास्त्रों का भी ज्ञान है, आपको साइंस भी बहुत अच्छी है, मैथ्स आपकी अच्छी है, आप बनना क्या चाहते हो जीवन में? हमें कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है, हमें सबको भगवत धाम जाना है। डॉक्टर, डॉक्टर, ये तो दिस इज अ मटेरियल वर्ल्ड। पांच साल आप 12th पास हो जाएंगे, उसके बाद क्या? ब्रह्मचर्य की, ब्रह्मचर्य में 70% ऑफ चांस होते हैं आप भगवत धाम जाएंगे, और जो गृहस्थ होते हैं उसमें 10% ऑफ चांस होते हैं कि आप भगवत धाम जाएंगे। ये किसने बताया? ये भी भगवत गीता में है। गीता में किसने श्लोक है? 700। कितनी बार पढ़ी गीता? 2-3 बार पढ़ी। अरे आप होते कौन है पूछने वाले कि इससे होगा क्या? तो भगवान स्वयं बता रहे हैं, जैसे श्रुति होती है एक स्मृति होती है, तो जो भगवान की वाणी है वो श्रुति में आती है, जो भगवान के मुख से निकले, और स्मृति जो होती है वो किसी वेद शास्त्र को समझाने के लिए, तो भगवत गीता तो एक श्रुति है। अभी आप यहाँ पे किसके साथ आए वृंदावन? अकेले भ्रमण पे निकले? ये ब्रह्म संहिता से लेवा श्लोक है, बट ये गीता में आता है समझाने के लिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देखे प्राइम इंडिया। दोस्तों वृंदावन के दौरे पे हम अभी है, और आज हमें एक बालक मिला है। इस बालक की कई सारी खासियत है, वो हम आगे चल के बात करेंगे और इनसे आपको इनकी सारी खूबियां दिखाएंगे। कितने उम्र आपके? 11। 11 साल के ये बच्चे है, और इनका आप नॉलेज देखेंगे तो वो एकदम कमाल का है। इन्हें हिंदी भी आती है, फ्लुएंट इंग्लिश भी आती है, शास्त्रों का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब चीज़ का ज्ञान आपको है। क्या नाम है आपका? हर्ष। हर्ष, हर्ष आप रहने वाले कहाँ से हो? हिसार, हरियाणा। हरियाणा से हो, अभी रहते कहाँ पे हो? अभी हिसार हरियाणा में रहते हैं, अभी इसको वृंदावन इसको आना है। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th क्लास। 7th क्लास में आता है। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम? इंग्लिश मीडियम। अच्छा, ये होता है गीता वगैरह का नॉलेज? हाँ, गीता पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। 7 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में गीता पढ़ ली है? हाँ। इंस्पिरेशन कहाँ से आया? मेरे नाना थे, वो कृष्णा डिवोटी हैं, तो उनसे इंस्पिरेशन है। नाना से इंस्पिरेशन ली है। अच्छा, आपने बताया मुझे इंग्लिश भी आती है और मुझे हिंदी भी आती है, तो A4 Apple आता है, A4 Arjun आता है? A4 Arjun। आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं और आप A4 Arjun पढ़ रहे हैं, तो ये कहाँ सीखा फिर आपने? ये मेरे नाना इंस्पिरेशन है, एंड कुछ ऑनलाइन सर्च किया मैंने, और दैट आई विल गेट इट, सो व्हाट इज इस्कॉन एनी अदर थिंग्स दैट आर, सो आई विल गेट इंफॉर्मेशन। यू आल्सो स्पीक इंग्लिश? या, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इफ यू हैव टू चूज वन लैंग्वेज और बिटवीन हिंदी और इंग्लिश, व्हाट विल यू चूज? हिंदी। व्हाई? बिकॉज इट इज आवर मदर टंग। और गीता के श्लोक बताइए थोड़ा। यस, गीता के श्लोक? गीता के श्लोक है 1st श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे स्वामवेते युयुत्सव माम काम पांडवाश्चे किम कुर्वत्ते संजह। इसका अर्थ पता है आपको? हाँ, जैसे कि इसमें धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि ये जो कुरुक्षेत्र है ये आगे जाके धर्म क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि यहाँ धर्म के खिलाफ ही जहाँ कोई अपराध नहीं कर सकता है, तो इसका ये अर्थ होता है। आपके जो वस्त्र में देख रहा हूँ, आपके कपड़े जो है, आपने धोती पहन रखी है, कुर्ता पहन रखा है, गमछा है, तुलसी की माला है, तो जैसे मैं इस उम्र के बच्चों को अमूमन देखते हैं कि वो जीन्स में चलते हैं, टी शर्ट में चलते हैं, तो आपका ये अपने पसंद का है या बचपन से, मतलब आपको पहनाया गया या कहीं जबरदस्ती आपको पसंद है? नॉट फोर्स्ड, और फोर्स करेंगे भी क्यों? पैंट वगैरह है, शर्ट वगैरह, ये ब्रिटेनियन या इंग्लैंड से आया, ये जो पहनावा है वो इंग्लैंड से ही आया है, ये तो एक ट्रेडिशनल ड्रेस है इंडिया की। हम हमारे कपड़े, हमारे भारतीय कपड़े यही होते हैं, कपड़े यही हैं हमारे। आपको ये पसंद है? हाँ, आई लव इट। ज्यादा पसंद जीन्स है? ये जीन्स में पहनता ही नहीं, पहनता ही नहीं। दोस्तों इस बच्चे का नॉलेज तो कमाल का है, द वे ही स्पीक, जिस तरीके से वो बोल रहा है, मतलब 11 साल का बच्चा, इसकी मेच्योरिटी लेवल और द वे ऑफ स्पीकिंग देखिए आप, इट्स एक्सट्रीमली हाई लेवल। ये जो माथे बनारस से क्या कहते हैं? इसे उद्व कुंड कहते हैं, ये भगवान के चरण होते हैं, ये भगवान के चरण, और भगवान के चरणों में तुलसी पत्र। इसका लगाने का फायदा क्या होता है? इसमें जैसे आप गोपी चंदन होता है, गोपी चंदन जो होता है, जहाँ पर एक मिट्टी होती है, जहाँ पर गोपियों ने अपना शरीर त्यागा था, तो जो शरीर त्यागा गोपियों ने, तो उससे ये ठंडा रहता है दिमाग। ओके, एंड इसका एक और फायदा, ये मेडिकल यूज के लिए भी आता है, जैसे कि फुंसी वगैरह हो जाता है, उस पर लगाने से गोपी चंदन बेरी, वो फुंसी वगैरह जल्दी ठीक हो जाती है। अच्छा, ये बताओ, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, आपको हिंदी भी आती है, आपको शास्त्रों का भी ज्ञान है, आपको साइंस भी बहुत अच्छी है, मैथ्स आपकी अच्छी है, आप बनना क्या चाहते हो जीवन में? हमें कुछ बनने की जरूरत ही नहीं है, हमें सबको भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है, हमें कुछ बनना क्या है?
नहीं जैसे आजकल भौतिकता चीजें होती हैं, डॉक्टर डॉक्टर ये तो दिस इज अ मटेरियल वर्ल्ड। सो अगर इससे हटके देखें तो हमारा एक ही मकसद है वो भगवत धाम जाना। देखिए इसकी शब्द को, इसकी जो डिक्शनरी है ना उसमें शब्द देखिए कैसे कैसे है। नहीं जैसे आजकल ना जो शिक्षा का एक मकसद बन चुका है कि हमें अच्छा पैसा कमाना है, ठीक है ना, अच्छा घर बार बनाना है, अच्छी नौकरी पाना है, अच्छा बिजनेस सेट करना है, ठीक है ना, फाइनेंशियली फ्री होना, तो ऐसा आपका नहीं है क्या? नॉट इंटरेस्टेड कोई वजह है इसके पास? वजह तो हम भूल चुके हैं, वजह पूछने, जो वजह पूछते हैं वो भूल चुके हैं कि हम क्या है। हमारी संस्कृति ये है जो वजह पूछते हैं, कहते हैं आप क्यों करने हैं, इससे होगा क्या, अरे तो आप होते कौन है पूछने वाले कि इससे होगा क्या, क्यों भगवान स्वयं बता रहे हैं। गीता क्या कहता है, भगवान की वाणी, जैसे श्रुति होती है एक स्मृति होती है, तो जो भगवान की वाणी है वो श्रुति में आती है जो भगवान के मुख से निकले, और स्मृति जो होती है वो किसी वेद शास्त्र को समझाने के लिए, तो भगवत गीता तो एक श्रुति है, और जो ये अलग अलग जैसे आप देख सकते हैं बुक्स हैं प्रभुपाद ने लिखी, ये स्मृति में आती हैं, अदरवाइज इट विल कम फ्रॉम द भगवत गीता बट इट विल इज स्मृति। जो आपकी वोकैबुलरी है, आपकी डिक्शनरी है, उसमें बहुत सारे शब्द हैं, तो इतने सारे वोकैबुलरी को आपने इतना अच्छा कैसे बनाया, इतने शब्दों का भंडार आपके पास? लॉज श्रुति, सुनना, सुनने से हर एक चीज होती है, पहले श्रुति करो उसके बाद कर्म करो, पहले सुनना चाहिए उसके बाद करना चाहिए ना, ये तो सुनने से जो है वो माइंडसेट बढ़िया बनता है। जैसे आप मोटिवेशनल वीडियो सुनते हैं तो उससे इंस्पायर होते हैं, सुनने से इंस्पायर होते हैं, देख लिया आपने, देखने से तो इंस्पायर नहीं हुआ, सुनने से इंस्पायर होते हैं, सुनना बहुत जरूरी है, पहले सुनना है उसके बाद करना है। फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली में मामा पापा मैं। क्या करते हैं? पापा पुलिसमैन है। आपकी पढ़ाई को तो आपने बता दिया पूरा शेड्यूल क्या है, बाकी उसके पढ़ाई से हटके जो आपके अध्ययन करते हो, आप जो भी चीज़ सीखते हो उसके हटके आपकी क्या क्या हॉबीज है? हॉबीज लाइक चैंटिंग, इट इज अ यूजुअल, ये तो डेली का होता है, ये डेली होता है, इट्स अ 16 राउंड्स, मिनिमम 16 राउंड्स। जपने क्या तरीका, क्या नियम होता है, थोड़ा बताइए। जैसे कि ये जप माला है तुलसी की रहती है ना? नो, दिस तुलसी की इनिशिएशन के बाद मिलती है, पहले इनिशिएशन होता है उसके बाद तुलसी की माला मिलती है, इनिशिएशन से पहले नीम की माला से जप करना होता है, तो ये नीम की माला। अभी आपके पास नीम की माला है? यस। इसे कितने बार जपते हैं आप? 108 × 16। ओके, ये बताइए आप, ये तो आपकी हॉबीज हो गई, और कुछ क्रिकेट खेलना या कोई स्पोर्ट्स में कुछ दिलचस्पी? नो, इट्स अ मटेरियल थिंग्स, मटेरियल थिंग्स। कृष्णा का कोई भजन आपको आता हो? कृष्णा का भजन लाइक कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी जयो भवतु तुम्हें। अभी आप यहाँ पे किसके साथ आए वृंदावन में? अकेला। अकेले? 11 साल की मामले अकेले भ्रमण पे निकले, डर नहीं लगता? घर से खर्चा लिया? हाँ, घर से तो खर्चा लिया है, कौन से? कैसे आए आप यहाँ? ट्रेन, बाय ट्रेन। रिजर्वेशन है चालू डब्बे में? नहीं, रिजर्वेशन। अभी आप 7th क्लास में हैं? यस। 5 साल बाद आप 12th पास हो जाएंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद इट्स ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी? यस। तो जैसे सपना रहता है बच्चों का IGS PCS डॉक्टर बनने का, आपका ऐसा कुछ नहीं? नहीं। और एक आखिरी गीता श्लोक सुना दीजिए फिर हम खत्म। ये गीता में ही आता है एक श्लोक, ये गीता में ही आता है, ये ब्रह्म संहिता से लेवा श्लोक है बट ये गीता में आता है समझाने के लिए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिर नादिर गोविंद सच्चिदानंद, सतचित और आनंद से बने हुए जो विग्रह, अनादिर अनादिर, अनादिर अनादिर सनातन, सनातन से उसे अनादिर अनादिर कहते हैं, जो करोड़ों करोड़ों साल तक है, सभी कारणों के कारण वो ईश्वर परम कृष्ण है। गीता में कितने श्लोक है? 700। आपको कितने याद है? 15। कितनी बारी पढ़ी गीता? 2-3 बार पढ़ी। जैसे आप आध्यात्मिक टाइप पर्सन हो, ठीक है ना, तो आपकी मम्मी पापा वैसे ही या वो थोड़ा मॉडर्न है? नो, मम्मी पापा मॉडर्न नहीं है, वो तो बहुत सिंपल है। और ही सिंपल है, नाना से प्रेरणा मिली और आप तक अभी तक चली आ? हाँ। जब कभी भविष्य में आपके बच्चे होंगे तो आप कैसे चाहेंगे? ब्रह्मचर्य पूरी लाइफ टाइम।
थैंक यू सो मच। इसमें जैसे कि होता है कि ब्रह्मचर्य में 70% ऑफ चांस होते हैं आप भगवत धाम जाएंगे, और जो गृहस्थ होते हैं उसमें 10% ऑफ चांस होते हैं कि आप भगवत धाम जाएंगे। ये किसने बताया? ये भी भगवत गीता में है। भगवत गीता में है। देश की जनता को कुछ कहना है? भक्त बनो, और ये मत कहो कि हमें टाइम नहीं है, ये नहीं है, टाइम सभी को होता है, टाइम सभी के पास है, काम भी सभी के पास है, भक्त बनो। सोता कितने बजे? सोने का सिस्टम ये है कि जैसे विग्रह सेवा होती है, विग्रह सेवा में जैसे भगवान की सेवा होती है तो वो अपने आप सुला देती है ना। जैसे इधर आप देख सकते हैं 8 बजे 8:30 बजे शयन आरती जाती है, तो 8:30 बजे अगर कोई शयन आरती करता है तो वो प्रसादम भी लेगा, आधे घंटे से फालतू प्रसादम कोई नहीं लेता, इट्स हाफ एन आवर विल टेक टू टेक प्रसादम। सो वो लेने के बाद सो जाता है 9 बजे तक, सो 9 बजे तो उठेगा वो, 3:30 बजे उठ सकता है सुबह। आप 9 बजे सोते हैं? 9 बजे सोते हैं हम। तो आप खाने को प्रसाद कहते हैं? हाँ। जो लोग खाने को खाना कहते हैं उन्हें? वो खाने का खाना कहते हैं, वो पाप खाते हैं। तो वो पाप खाते हैं? हाँ, जो भगवान को भोग नहीं लगाता वो पाप होता है। अच्छा। क्योंकि आप देख सकते कितने जो कितने जर्म्स होते हैं, आप देख सकते हैं वो दिखते नहीं है, वो माइक्रोस्कोपिक जर्म्स होते हैं, तो वो मरते हैं जब, अगर वो प्रसाद हम भगवान को भोग लगा दें तो वो एक प्रसाद बन जाती है, वो पाप हमारे नहीं लगता। जैसे कई लोग खाते हैं खाना, से फिल्टर कर देते हैं पाप, वो फिल्टर कर देते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।